हेलो स्टूडेंट्स, मेधा डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि संख्याओं को जो इकाई है उनको चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, लीटर को मिलीलीटर में, ठीक है, इस प्रकार से अपन ने चेंज किए थे। आज अपन बात करेंगे उन्हीं के ऊपर जो क्वेश्चंस है कैसे चेंज करते हैं और फिर उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, मैं आज एक क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। देखो, इसमें मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है 40 मीटर कपड़े में से। टोटल कपड़ा कितने पास अपने पास में 40 मीटर, और 40 मीटर में से कितने कमीज सी जा सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बचेगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी यहाँ पे, कि अपने पास में कुल कपड़े की लंबाई कितनी है 40 मीटर। कितनी है 40 मीटर। अब इस देखो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर में, तो पहले मैं एक बार किस में चेंज करूँगा इसको, सेंटीमीटर में। अब दो चेंज कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर और ग्राम, और नीचे डेका हेक्टा किलो और मीरिया। ये सबसे छोटी इकाई थी, ये सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, और ये आपकी मूल इकाई है। जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या करते हैं, 10^n का भाग देते हैं। यानी जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो 10^n से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, 10^n से क्या करते हैं, उससे गुणा करते हैं। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ मीटर, तो ये मीटर है क्या, चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या करोगे, 10^n से मल्टीपल। अब n कैसे, 1/2, ये तो मीटर तो है ना, जाना कहाँ पर है आपको, सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे जो 40 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, सेंटीमीटर। तो कितना का यहाँ पे, 4000 सेंटीमीटर कपड़ा, ठीक है, हो गया चेंज। अब देखो, एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई कितनी है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। यानी एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, जबकि आपके पास में कपड़ा कितना है 40 मीटर। इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 4000 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मैं इस पूरे को किस में कन्वर्ट करूँगा, सेंटीमीटर में। तो देखो, ये तो ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर में है, बस इसको तो प्लस करना है। जब बाकी जो 2 मीटर है इसको किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं, ये रहा मीटर, जाना कहाँ पर है, सेंटीमीटर में। नीचे से ऊपर जाओगे तो कितनी जगह पे, 1/2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 100 से, ये लो सेंटीमीटर। और बाकी इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो कितना गया यहाँ से, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हुआ, 215 सेंटीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया कि इतना सेंटीमीटर कपड़ा होना चाहिए किसके लिए, ओनली एक कमीज सीने के लिए।
अब मेरे को करना क्या है, यहाँ से कमीजों की संख्या, कितने कमीज सिए जा सकते हैं, कितने कमीज सिए जा सकते हैं। सीधी सी बात यह है, मैं तो बात करूँ अभी सामने कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि एक पेन, पेन का मूल्य सुनो एक बार, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 20 पेनों का मूल्य क्या हो जाएगा, पेनों का मूल्य क्या जाएगा, क्या करते हो आप इसको, एक पेन का मूल्य, पेन कितने लाने हैं 20, तो उससे क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, तो 5 × 20 कितने हुए 100 रुपये। तो जो 20 पेन हैं वो कितने के हैं 100 रुपये के हैं। अब सपोज करना मेरे पास में टोटल कितने हैं 100 रुपये हैं, कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन जाना क्या है, मेरे पास में कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 100 रुपये, और एक पेन, पेन है एक पेन है, एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये, एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये, जबकि मेरे पास 100 रुपये कितने हैं 100 है, और एक पेन का मूल्य 10 रुपये, तो मैं 100 रुपये में कितने पेन ला सकता हूँ, 100 रुपये में कितने पेन खरीद सकता हूँ। इसका मतलब पेनों की संख्या निकालनी है, यहाँ पर क्या निकाला आपने कुल रुपये निकाला, और यहाँ पर क्या निकालना आपको पेनों की संख्या, तो यहाँ पर पेनों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जो कुल रुपये हैं उसमें जो एक पेन है उसके मूल्य से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे यानी भाग दोगे, यानी मैं 100 को किससे डिवाइड करूँगा 10 से, तो कितने पेन आएंगे 10 पेन। तो सेम इसी प्रकार इधर भी, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मेरे पास में कुल कितना कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर, और एक कपड़े की लंबाई कितनी है 215 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, कमीजों की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए जो 4000 है, जो 4000 है इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा 215 से, ठीक है। देखो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक बार कितना हुआ, यहाँ पे 215, माइनस करोगे तो ये हो गया 5, 8 और ये 1 हो गया, नेक्स्ट 0 यहाँ उतार लो, उतार लिया। अब फिर इसको डिवाइड करोगे तो देखो मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 8, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1720, ठीक है। माइनस करो 0, 3, 1, ये क्या हो गया आपका 6। अब देखो ये तो क्या हो गया आपका कमीजों की संख्या, पहला क्वेश्चन हो गया कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, तो ये क्या है शेष कपड़ा, क्या है शेष कपड़ा। अब देखो यहां पर कमीजों की संख्या तो कितनी हो गई 18, कमीजों की संख्या कितनी हो गई 18, और शेष जो कपड़ा है वो कितना है 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये होगा कि सेंटीमीटर है ना, अब इसको चेंज करना किसमें, मीटर में चेंज करना है ना, तो देखो मीटर में ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करोगे नीचे आओगे ना, इसका मतलब क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे, तो देखो यहाँ से 130 अपॉन में ये लो 10 से 10 कितना हो गया, ये 13/10, नीचे 10 है तो इधर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 1.3, इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर और 3 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हुआ आपके पास में शेष है बस के, 1 मीटर और 30, या 30 सेंटीमीटर मान लो या 3 सेंटीमीटर मान लो कि 0 तो 3 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये कपड़ा क्या हुआ आपके पास में शेष बचा, और कमीज उसमें कितनी हो गई 118, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है,
1 किलोमीटर और 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी दो बार तय करता है। सपोज करना कि ये राहुल है, राहुल के घर से इस स्कूल तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ये स्कूल आ भी रहा है और घर जाएगा भी, दो राउंड हो गए तो दो बार तय कर रहे हैं। अब ये 6 दिन स्कूल आएगा तो 6 दिन में उस विद्यार्थी राहुल ने कितनी दूरी तय की है ये देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ये करोगे कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, यानी स्कूल व घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। अब देखो एक बार, किलोमीटर भी है और मीटर भी है, तो मैं इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मीटर में। अब मीटर में कन्वर्ट कैसे करूँगा, यानी ये तो ऑलरेडी 875 तो ऑलरेडी किस में है, मीटर में है, और जो ये 1 किलोमीटर है इसको भी किस में चेंज कर लूँगा मैं, मीटर में। तो देखो चेंज कैसे करूँगा, जो 1 है, अब ये है आपका किलो, क्या आपका किलो, और जाना कहाँ पर है, मीटर में, यानी नीचे से ऊपर जाओगे तो 10 की पावर n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ऊपर कहाँ, 1, 2 और 3, तीन स्थान आ रहे हो ना, तो किससे, 1000 से, तो यहाँ पे 1000 से क्या कर दोगे, इसको मल्टीपल कर दोगे और प्लस में 875 ऐड कर दोगे, तो ये हो गया आपका 1875 मीटर। ये हो गया, मीटर में चेंज किया ना आपने। अब यह दूरी दो बार तय करता है, कितनी बार तय करता है दूरी, दो बार। अब यहां लिखोगे यह दूरी दो बार तय करता है, इसका मतलब 1875 इंटू में 2, तो कितना हो गया ये, 3750 मीटर। ये हो गई किसकी, 1 दिन की दूरी, कितने दिन की, 1 दिन की दूरी, किस में, मीटर में। अब विद्यार्थी 1 दिन में ये दूरी तय कर रहा है, 1 दिन में, तो कितने दिन में, 6 दिन में, तो ये 1 दिन में, ठीक है। अब 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, सीधी सी बात है, मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक पेन 5 रुपए का, तो 20 पेन वो है, जब 1 दिन की दूरी यह है तो 6 दिन की दूरी कितनी होगी, इस 1 दिन की दूरी को 6 दिन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल के आएगी, 6 दिन की कुल दूरी, तो ये हो जाएगा 3750 इंटू में 6, कितना गया ये, 2250। ठीक है, ये हो गई इसकी कुल दूरी मीटर में, किस में आई ये, मीटर में। अब देखो एक चीज, मीटर में आ गई ना, अब मेरे को क्या निकालना है कि दूरी कितनी है। अब देखो मीटर में है तो मैं इसको किस में चेंज करूँगा, किलोमीटर में, किस में चेंज करूँगा मैं, किलोमीटर में। तो देखो यहाँ से मीटर में है, किस में है, मीटर में, चेंज किस में करूँगा, किलोमीटर में, यानी नीचे से ऊपर से नीचे आऊँगा तो 10 की पावर n से। तो देखो यहाँ से 22,500 में को कैसे डिवाइड करोगे, मीटर में है ना, मीटर में नीचे आओगे तो 1, 2, 3, तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे,
एक, तो ऊपर एक, इधर से एक अंक छोटे पॉइंट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये 22.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 किलोमीटर और 5 मीटर, ये हो गई इसके द्वारा तय की गई दूरी कुल 6 दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको इस प्रकार से चेंज करके और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इस प्रकार से अपन हमारी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 1.2, जिसके क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं और आपको PDF में भेज रखे हैं, उनको एक बार दोबारा से ध्यान से देखना और उनको दोबारा से अपनी कॉपी के अंदर एक बार सोल्व करना बिना देखे। ठीक है, थैंक यू।